गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज का जो अपना टॉपिक है मैथ का, वो है एसटीएफ और एलसीएम। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज की एक्सरसाइज में हम एक तो एसटीएफ याद करेंगे और एक एलसीएम, लेकिन आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो केवल यहाँ पर किससे संबंधित है, ओनली फॉर एसटीएफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसटीएफ को ज्ञात करने की दो तरीके होते हैं। आपका पहला तरीका है भाग विधि, और आपका जो दूसरा तरीका है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। और एलसीएम को ज्ञात करने का केवल आपके पास एक तरीका होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज के इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ओनली फॉर एसटीएफ ज्ञात करना। और जैसा कि आपको यहाँ पर एसटीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर दो विधियों का वर्णन किया है, एक है भाग विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। और एलसीएम याद करने की केवल आपके सिलेबस में जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज के इस वीडियो में हम जो केवल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओनली फॉर एलसीएम, और वो भी कौन सी विधि से, भाग विधि से। इसलिए बाकी की सारी बातों को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। कुल मिलाकर के आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वो केवल एसटीएफ याद करने के लिए चलेगा। और एसटीएफ याद करने की जो हम पहली विधि पढ़ेंगे वो है भाग विधि। तो यहाँ पर इस विधि का जो नाम है वो आपके सिलेबस के अनुसार रखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि आपको वो दो संख्याएं दे देगा और उन दोनों संख्याओं का आपसे क्या पूछेगा, एसटीएफ। और एसटीएफ याद करने के लिए वो आपको यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करने के लिए कहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये तरीका कैसे काम करता है, तो जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ओरिजिनल नाम है वो है भाग विधि। नॉर्मली हमको ये बात पता है कि जब हम भाग को हल करते हैं तो हम जिस संख्या में भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाज्य, हम जिस संख्या का भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक। और जब हम इन दोनों संख्याओं का आपस में भाग लगाएंगे तो यहाँ जो हमको उत्तर मिलता है उसको हम कहते हैं भागफल। और लास्ट में जाकर के आपको जो आंसर मिलता है वो आपका कहलाता है शेषफल। और कहने का मतलब ये है कि भाग की प्रक्रिया करते समय आपके पास चार चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पर दो संख्याओं का एसटीएफ ज्ञात करवाएगा। तो आपको जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनमें से आपको सबसे पहले ये देखना है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो आपकी बड़ी संख्या होगी उसको आपको क्या मान के चलना है, ए। और जो आपकी छोटी संख्या होगी उसको आपको क्या मान के चलना है, बी। ठीक है, अब जिस संख्या को आपने बड़ी संख्या माना है वो तो यहाँ पर किसका रूप लेगा, भाज्य का। और जिस संख्या को आपने छोटी संख्या माना है वो यहाँ पर किसका रूप लेगा, भाजक का। और कहने का मतलब ये हुआ कि उसने आपको जो दो संख्याएं दे रखी है उनमें से बड़ी संख्या तो बन जाएगी ए, जिसको अपन यहाँ पर मान के चलेंगे भाज्य, और छोटी संख्या हो जाएगी बी, जिसको हम मान के चलेंगे भाजक। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पर ये करना है इस वाले टॉपिक में, जो भाज्य है
उसकी जगह अब अपने को यहाँ पर ए मान के चलना है और जो भाज है उसकी जगह आपको क्या मानना है बी। और अभी जो भाग पर होता है वो यहाँ पर किस में बदल जाता है क्यू, और ये जो शेषफल है वो यहाँ पर किस में बदल जाता है आर। ठीक है, अब ये प्रक्रिया ऐसे संपन्न होती है कि जब हम दो संख्याओं का आपस में भाग लगाते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना मैंने यहाँ पर आपको ये कहा कि आपको 17 में भाग लगाना है दो का, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे 17 और यहाँ पर दो। तो जैसा कि दो का भाग 17 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 2 8 16 कितना बचेगा 1। अब अगर माना मैं आपको ये कहूँ कि इस पूरे भाग को आप चेक करके दिखाओ कि सही है या गलत है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको ये करना है कि जो 2 है इस 2 को इस 8 से क्या करना है गुणा, और इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो भी उत्तर आएगा उसके अंदर आपको इस शेषफल को क्या करना है प्लस, और ऐसा होने पर ये सारा का सारा आंसर इसके बराबर हो जाता है यानी कि 17 के बराबर। तो कुल मिलाकर के मैं आपको इस टॉपिक से ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपको 2 दिख रहा है वो तो एक तरीके से आपका क्या बन गया भाजक, ये जो 17 आपको दिख रहा है ये आपका क्या बन गया भाज्य, ये जो 8 आपको दिख रहा है ये आपका क्या बन गया भागफल, और ये जो 1 आपको दिख रहा है वो आपका क्या बन गया शेषफल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपने सबसे पहले 2 को गुणा किया है किससे 8 से, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या था भाजक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाजक इंटू आपने 2 को किससे गुणा किया है 8 से, तो 8 यहाँ पर क्या है भागफल, यानी कि भाजक इंटू भागफल, और फिर इन दोनों का गुणा करने के बाद में आपने इसके अंदर क्या प्लस किया 1, तो 1 यहाँ पर क्या है शेषफल, तो प्लस शेषफल। अब ये सारा का सारा जो आंसर है वो किसके बराबर हो जाता है 17 के बराबर, और 17 को यहाँ पर क्या माना गया है भाज्य। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो अगर हम 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 16, और 16 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 17, और ये किसके बराबर हो जाता है 17। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आपने ये जो भाग संपन्न किया है ये पूरी तरह से सही है। अब आपको यहाँ पर अगर दो संख्याओं का एचसीएल ज्ञात करना है जिसके लिए अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम में लेनी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वो फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूले के अनुसार भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य होता है, यानी कि कहने का मतलब है हिंदी में तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर हिंदी नामों को इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो अब अगर मैं इन हिंदी वाले मानों को अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग बिठाऊं तो सबसे पहले लिखा हुआ है भाजक, तो आपका जो भाजक है उसको अपन ने यहाँ पर क्या मान रखा है बी इंटू भागफल, भागफल को आपने क्या मान रखा है क्यू, तो बी इंटू क्यू प्लस शेषफल को आपने क्या मान रखा है आर बराबर भाज्य, भाज्य को आपने क्या मान रखा है ए। तो कहने का मतलब है आपका जो इंग्लिश में फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो कुल मिलाकर के हिंदी में अगर आपको देखना है तो ये फॉर्मूला, और इंग्लिश में देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
जिसकी सहायता से हमको किसका उत्तर प्राप्त होता है, एसटीएफ का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि वो आपको जैसा कि दो संख्याएं देता है तो उनमें से बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी वाली संख्या को बी। तो ए को तो हम क्या मान के चलेंगे, भाज्य, और बी को क्या मान के चलेंगे, भाजक। अब ये सारी प्रक्रियाएं आपको या तो इस फॉर्मूले के द्वारा या इस फॉर्मूले के द्वारा संपन्न करनी है, लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो प्रक्रिया है भाग की प्रक्रिया, ये तब तक चलती रहती है जब तक आपका आर, आर का मतलब शेषफल, तो शेषफल का उत्तर जीरो ना आ जाए। यानी कि ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी पड़ती है जब तक आपका शेषफल जीरो ना हो जाए। ठीक है, अब ये प्रक्रियाएं यानी कि सारी बातें किस प्रकार काम करेंगी, तो उसके लिए अपन यहाँ पर इन सारी बातों को कुछ सवालों के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि माना, अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन लिख के देता हूँ, निम्न संख्याओं का एसटीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो सवाल लिए हैं। आपका जो पहला सवाल बनता है वो बनेगा 210 और 55। माना मैंने आपको जो दूसरा सवाल हल करने के लिए कहा है वो बनता है 135 और 225। तो अब आपकी जो सारी बातें हैं ये इन दोनों सवालों से क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर पहला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको जो पहला सवाल दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 210 और 55। जैसा कि प्रश्न में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमको, एसटीएफ, और कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। स्टार्टिंग देखो कैसे होगी, मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि आपको जो भी संख्याएं दे रखी हैं, तो जैसा कि आप हम यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपका जो पहला सवाल है उसमें आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 210 और 55। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो जो आपकी बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे, ए, और जो छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, बी। और आगे चल करके ए तो क्या बन जाएगा, भाज्य, और बी क्या बन जाएगा, भाजक। तो जैसा कि यहाँ पर इन दोनों में से जो आपको बड़ी संख्या दिख रही है वो दिख रही है 210, तो 210 को क्या बन गई, ए, और छोटी संख्या कौन सी है, 55, तो वो क्या बन गई, बी। इन दोनों संख्याओं का चयन होने के बाद में अब आपको यहां पर ये लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब इस प्रमेय का को जब आप लागू करते हो तो यहां पर आपके दो फॉर्मूले जैसा कि लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला हिंदी में चलता है और ये वाला फॉर्मूला इंग्लिश में चलता है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो अपने को ये कहता है A is equal to BQ plus R। अब आपको क्या करना है, जो भी मान आपके पास हैं
उन मानों को इस फॉर्मूले में सेट करो। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ए, तो आपका जो ए का मान है वो कितना है 210। फिर बी, बी का मतलब है 55। बस इसके आगे आप कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि कारण ये है कि ए और बी का मान तो आपको मिल चुका है, लेकिन ना तो आपके पास यहाँ पर क्यू का मान है और ना आर का। अब ये बातें आपको कैसे पता लगानी है, तो इसके लिए आपको एक भाग की प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ पर आपने ए को क्या मान रखा था, भाज्य, तो भाज्य का मतलब है 210। तो यहाँ तो अपना लिखेंगे 210, और बी को आपने क्या मान रखा है, भाजक, जिसका मान कितना है 55। तो जब हम इन दोनों का आपस में भाग लगाएंगे तो हमको दो नए आंसर मिल जाएंगे, एक तो क्यू का यानी कि भागफल और एक आर का यानी कि क्षेत्रफल। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ कि भाजक का मतलब तो होता है बी, भाज्य का मतलब होता है ए, भागफल का मतलब होता है क्यू और क्षेत्रफल का मतलब होता है आर। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर 210 में भाग देना है 55 का। तो जैसा कि 210 में अगर हम 55 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 55 एकम 55 दुना 110 और 55 किया 165, 55 चौके, तो 55 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 220। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपने 55 का पहाड़ा 4 बार बोला है तो आपका आंसर आ रहा है 220। तो आपको जो भाग लगाना है वो केवल 210 में लगाना है, इसलिए 55 का जो भाग 210 में जाएगा वो केवल कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 बार में कितना आता है, 165। तो ऐसा होने के बाद में आपको कितना मिलेगा, 10 में से 5 गए तो 5 और 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों संख्याओं का आपस में भाग लगाया तो ऐसा होने पर एक तो आपको आंसर मिला है 3 और एक आपको आंसर मिला 45। तो वो जो 3 है वो तो आपका क्या कहलाएगा, क्यू, क्यू का मतलब भागफल, यानी कि 55 × 3 प्लस आर, आर का मतलब कितना है 45। यानी कि कहने का मतलब है आपकी एक प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बोला था कि आपकी ये प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक आर, आर का मतलब है शेषफल, कितना नहीं आ जाता, 0। तो आपको ये दिख रहा होगा कि अभी हमारी जो पहली प्रक्रिया संपन्न हुई उसमें आपको आर का जो मान दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 45, यानी कि 0 नहीं आया। तो अब हमको इसकी दूसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हम अगली प्रक्रिया में आएंगे तो ये जो 210 है ये हट जाता है, अब ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो इसकी जगह कौन ले लेगा, ये कौन, 55। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 55। अब जैसा कि अगर आपने 55 को यहाँ लिख दिया तो किसकी जगह खाली हो गई, 55 की, तो 55 की जगह कौन ले लेता है, 45। तो ऐसा होने पर जब आप दूसरी प्रक्रिया में गए तो वापस आपको ए का मान तो क्या मिला, 55, और बी का मान क्या मिला, 45। आपकी दोबारा से प्रक्रिया चालू हो गई, ए को आपने क्या मान रखा है, भाज्य, और बी को आपने क्या मान रखा है, भाजक। तो इसका मतलब है आपको वापस क्या लगाना है, भाग। तो अब आपको 45 का भाग देना है किसमें, 55 में। तो जैसा कि 45 एकम 45 और 45 गुना 90, तो 90 ज्यादा हो जाएगा, तो 45 एकम 45 कितना बचेगा, 10। तो यानी कि आपको जो अगली प्रक्रिया में जो Q का मान मिलेगा वो कितना मिला, 1 × 1 प्लस आपको जो
दूसरी प्रक्रिया में शेषफल का मान मिला वो कितना मिला 10, तो वो 10 क्या कहलाएगा आपका शेषफल। जैसा कि आप देखोगे कि दूसरी प्रक्रिया में भी r का मान 0 नहीं आया, तो अब अपने को यहां पर तीसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तरीका वही है, अब कौन हटेगा, 55 हट जाएगा, तो 55 की जगह कौन ले लेगा 45, और 45 की जगह कौन ले लेगा 10। तो तीसरी प्रक्रिया में अगर आप देखोगे तो 45 तो किसका मान है a का, और 10 किसका मान है b का, यानी कि a को आपने वापस क्या माना है भाज्य, और b को आपने क्या मान रखा है भाजक। अब आपको 45 में भाग लगाना है 10 का, ये मैंने वापस 45 में 10 का भाग लगा दिया, तो 10 चौक 40। तो जब आपने तीसरी प्रक्रिया में भाग लगाया तो ऐसा होने पर आपको भाग पर वापस कितना मिला 4, तो 10 × 4 प्लस आपका जो शेषफल है वो कितना आया 5। जैसा कि आप तीसरी प्रक्रिया में देखोगे तो तीसरी प्रक्रिया में भी आपको शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अब अपने को चौथी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो चौथी प्रक्रिया में अगर आप जाते हो तो कौन हटेगा 45, अब अगर 45 हटेगा तो 45 की जगह कौन ले लेगा 10, और 10 की जगह कौन ले लेगा 5, यानी कि वापस अब आपको a का मान तो क्या मिला 10 और b का मान क्या मिला 5। कहने का मतलब है a तो आपका क्या बन गया भाज्य और b क्या बन गया भाजक, यानी कि अब आपको 10 में किसका भाग देना है 5 का। तो वापस मैंने ये लास्ट बार 10 में 5 का भाग लगाया तो 5 × 10 और क्या बचा 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने 10 में 5 का भाग दिया तो आपका जो भागफल है वो कितना है 2, और शेषफल कितना है 0। तो कहने का मतलब है आपने यहाँ पर कितनी प्रक्रियाओं में ये भाग संपन्न किया, 4 प्रक्रियाओं में। अब इन 4 प्रक्रियाओं में अगर आप देखोगे तो अब आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या पता लगाना है एचसीएल। एचसीएल का पता लगाने के लिए क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन सी संख्याओं का भाग लगाया। तो जैसा कि जिन संख्याओं का हमने भाग लगाया उसको हम कहते हैं बी, तो यहाँ पर बी का मान कौन कौन से हैं 55, 45, 10 और 5। कहने का मतलब है हमने जो भाग लगाया है वो कितनी बार लगाया 4 बार। अब आप ये देखो कि इन 4 बार में भाग लगाने पर ऐसा कौन सा मान है जहां पर अपने को 0 मिला। तो जैसा कि आप एक बार देखोगे तो जब आपने 55 का भाग लगाया था तो आपका शेषफल कितना था 45, जब आपने 45 का भाग लगाया तो आपका शेषफल कितना है 10, जब आपने 10 का भाग लगाया तो आपका शेषफल कितना है 5, लेकिन जब आपने 5 का भाग लगाया तो आपका शेषफल कितना है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या ऐसी संख्या है जिसका भाग लगाने पर आपको शेषफल कितना मिला है 0। तो जिस संख्या का भाग लगाने पर आपको 0 प्राप्त होता है वही आपका क्या कहलाता है एचसीएफ। तो इस पूरे सवाल का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 5। ठीक है, चलो इसी क्रम में हम यहाँ पर अपना एक अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 135 और 225। आपको जो सवाल दिख रहा है वो दिख रहा है 135 और 225। पहला काम ये है कि आपको उसने जो संख्याएं दे रखी है उनमें से एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या का पता लगाना। तो आपको इनमें से जो बड़ी संख्या नजर आ रही है वो है 225, तो 225 तो आपका क्या कहलाएगा a का मान, यानी कि 225, और जो छोटी संख्या है वो आपका क्या कहलाएगा b का मान, यानी कि
135। इन दोनों संख्याओं का चयन होने के बाद में हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ये कहता है a = b2 + r। अब इस फॉर्मूले के अनुसार आपको दो मान दिख रहे हैं, a का मान तो आपको दिख रहा है 225 और b का मान आपको दिख रहा है 135। अब थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर दो नए मान पता लगाने होंगे q और r का, जिनका पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर भाग की प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको a का मान जो दिख रहा है वो दिख रहा है 225, और यहाँ पर हम a को क्या मानते हैं, भाज्य। तो यहाँ तो आपको कितना लिखना है 225, और b को क्या मानते हैं हम, भाजक, जिसको हमें लिखना है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आपको 225 में किसका भाग देना है, 135 का। चलिए 135 एकम 135 और 135 दुना 270, तो 270 तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 135 का जो भाग देना है वो कितनी बार देना है, एक बार। तो 135 एकम 135 कितना बचेगा, 0 और यानी कि शेषफल कितना बचा, 90। तो जैसा कि जब आपने पहली प्रक्रिया संपन्न करी तो आपको q का मान कितना मिलता है, 1। तो 135 × 1 + r यानी कि शेषफल कितना मिला, 90। तो ये आपकी पहली प्रक्रिया यहाँ पर पूरी तरह से संपन्न हुई। लेकिन बात ये है कि हमारे नियमों के अनुसार शेषफल कितना आना चाहिए, 0। जैसा कि हमें यहाँ पर शेषफल अभी तक 0 नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ पर अगली प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी, जिसके अनुसार अब यहाँ पर 225 को हटा दिया जाएगा। तो 225 की जगह अब कौन आ जाएगा, 135, और 135 की जगह कौन आ जाएगा, 90। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पर a का मान तो कितना मिला, 135, और b का मान कितना मिला, 90। तो कहने का मतलब है अब हमें यहाँ पर 90 का भाग किसमें लगाना पड़ेगा, 135 में। तो 90 का जब हम भाग 135 में लगाते हैं तो 90 एकम 90 90 गुना 180, तो 180 ज्यादा हो जाएगा। तो 90 एकम 90 कितना बचा, 5, और 13 में से 9 गए तो 4। तो जब आपने दूसरी बार भाग की प्रक्रिया संपन्न की तो ऐसा होने पर आपको शेषफल कितना मिला, 1, और सॉरी भाग पर कितना मिला, 1, और शेषफल कितना मिला, 45। हमारे नियमों के अनुसार अभी भी आपको शेषफल का मान 0 नहीं मिल पाया, इसलिए हम अब तीसरी प्रक्रिया में जाएंगे। तो तीसरी प्रक्रिया में अब आपको 135 को हटाना है, तो 135 की जगह कौन ले लेगा, 90, और 90 की जगह कौन ले लेगा, 45। तो अंतिम बार हमें 90 में किसका भाग लगाना है, 45 का। तो जब हम 90 में 45 का भाग लगाते हैं तो 45 × 90, और शेषफल कितना बचा, 0। तो जैसा कि आपने जब 90 में 45 का भाग लगाया तो ऐसा होने पर आपका भाग पर तो कितना मिला आपको, 2, और शेषफल कितना मिला, 0। इस तरह से हमें यहाँ पर तीन प्रक्रियाएं संपन्न करने के बाद में शेषफल का मान कितना मिल गया, 0। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुल मिला के जो पता लगाना है वो लगाना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का पता किस प्रकार लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने अभी आपको ये समझाया था। अब आप ये देखो कि आपने कौन कौन सी संख्याओं से भाग लगाया है। तो कौन कौन सी संख्याओं से भाग लगाने का मतलब है बी का मान, तो b का जो मान है वो एक बार 135 है, दूसरी बार 90 है, और तीसरी बार 45 है। यानी कि आपने सबसे पहले 135 का भाग लगाया, दूसरी बार में 90 का, और तीसरी बार में 45 का। लेकिन जब आपने 135 का भाग लगाया तो
तब तो शेषफल कितना था 90। जब आपने 90 का भाग लगाया तो आपका शेषफल कितना है 45। लेकिन जब आपने 45 का भाग लगाया तो आपका शेषफल कितना है 0। इसका मतलब ये हुआ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग लगाने पर 0 आया, तो वो संख्या है आपकी 45 और वही आपका क्या बनेगी एलसीएम। ठीक है, तो इन दो सवालों के साथ में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो सॉल्व किया। अब आपकी एक्सरसाइज में एक तरीके का सवाल और है जिसको मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं। तो मैंने कुछ सवाल को एक तरीके से शॉर्ट रूप में लिखा है जिसमें मैं आपको ये कहता हूं संख्या 408 और 1032 के एसटीएफ को x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक किस टाइप का सवाल भी है। अब किस टाइप के सवाल में अपने को क्या करना है, ये सवाल आपको ये कहता है कि आपको उसने दो संख्याएं दे रखी है, पहली संख्या है 408 और दूसरी संख्या है 1032। अब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब इस सवाल में आपको जो मान पूछा जा रहा है वो यहाँ पर एचसीएफ का नाम पूछ करके किसका पूछा जा रहा है x का। तो अभी x का मान हम किस प्रकार याद करेंगे तो देखते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि आपको उसने जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनका एचसीएफ उसने बता दिया, लेकिन ये जो एचसीएफ आपको बताया गया है ये आपको आगे से बताया गया है। अभी तक हम सबसे पहले यहाँ पर क्या पता लगाएंगे कि हमारे द्वारा अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाए तो वो कितना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये दोनों संख्याएं लिखनी पड़ेंगी 408 और 1032। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं में से ये चयन करना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो है 1032 जिसको हम क्या मानेंगे ए, और जो छोटी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे बी, यानी कि 408। और अब हम हमारे नियमों के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो काम में लेते हैं जो कि फॉर्मूला ये कहता है a इक्वल टू b क्यू प्लस r, जहां पर a a का मतलब आपको कितना लिखना है 1032, b का मतलब आपको कितना लिखना है 408। अब जैसा कि आपको ये दो मान दिख रहे हैं लेकिन कौन से दो मान नहीं है q और r, तो इन दोनों को लाने के लिए अब हमें यहाँ पर भाग की प्रक्रिया संपन्न करनी है। तो अपने को यहाँ पर 1032 में किसका भाग देना है 408 का, तो 408 एवं 408 और 408 गुना 816 और तीन बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपने को यहाँ पर 408 का भाग कितनी बार देना है दो बार, तो दो बार में कितना आता है 816, कितना बचेगा 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया तो 1 और 10 में से 8 गया तो 2। तो आपकी पहली प्रक्रिया के अनुसार आपको Q का मान तो कितना मिला 2 और आपका जो शेष पर है वो कितना है 216। तो हमारे नियमों के अनुसार हमें ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक शेष पर 0 ना आ जाए। तो अब हम यहाँ पर अगली प्रक्रिया में जाएंगे, तो अगली प्रक्रिया में आपको 1032 को हटाना है, तो 1032 की जगह कौन ले लेगा
408 और 408 की जगह कौन ले लेगा 216, यानी कि अब हमें 216 का भाग किसमें देना है 408 में। और 216 एकम 216 और 216 गुनी 432 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 216 एकम 216 कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और 3 में से 2 गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी प्रक्रिया में हमें भागफल का मान कितना मिला 1 और शेषफल कितना मिला 192। हमारे नियमों के अनुसार अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया। अब हम यहाँ पर तीसरी प्रक्रिया में जाएंगे, तो तीसरी प्रक्रिया में जाने पर 408 को हटा दिया जाएगा, तो 408 की जगह कौन ले लेगा 216 और 216 की जगह कौन ले लेगा 192, यानी कि अब हमें 216 में भाग देना है 192 का। तो 216 में जो 192 का भाग जाएगा वो केवल एक ही बार जाएगा, तो 192 एकम 192 कितना बचा, 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 9 गया 2। तो तीसरी प्रक्रिया में हमें भागफल का मान कितना मिला 1 प्लस शेषफल कितना मिला 24। तो अभी भी हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला है, इसलिए अब हम लास्ट प्रक्रिया में जाएंगे जहां पर 216 को हटा दिया जाएगा, तो 216 की जगह लेगा 192 और 192 की जगह लेगा 24, यानी कि अब आपको अंतिम बार 24 का भाग लगाना है 192। और अगर आप 24 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तो आपको पूरा पूरा आंसर कितना मिलता है 192, और इस तरह आपका शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो अंतिम प्रक्रिया में आपको जो भागफल मिला वो कितना मिला 8 और शेषफल 0। तो यहाँ पर आकर के हमारी ये प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई, जहां पर हमें शेषफल का मान कितना मिला 0। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा एचसीएल। एचसीएल पता लगाने के लिए आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन सी संख्याओं का भाग लगाया है। तो आपने जो भाग लगाया वो एक तो 408 का, 216 का, 192 का और 24 का, यानी कि आपने 4 संख्याओं का भाग लगाया। लेकिन इन 4 संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग लगाने पर आपको शेषफल 0 मिला, तो वो संख्या है यहाँ पर 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एचसीएल कितना होगा 24। लेकिन इस सवाल में आपको एचसीएफ नहीं पूछा गया, बल्कि आपसे क्या पूछा गया है x का मान। तो वो कैसे निकालेंगे आप आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ के दो आंसर आ गए, पहला आंसर तो वो जो आपको सवाल में दिया गया था, एचसीएफ का आंसर 1032 x माइनस 408 इंटू 5। और आपका एचसीएफ का दूसरा आंसर जो हमने पता लगाया है वो कितना है 24। अब इन दोनों आंसर में क्या कॉमन है, कॉमन ये है कि ये वाला जो मान है ये भी एचसीएफ का है और ये वाला जो मान है वो भी एचसीएफ का है। तो अगर दोनों मान एचसीएफ के हैं तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि बराबर। तो यहाँ पर जो एचसीएफ का मान आपको दे रखा है वो दे रखा है 1032 माइनस 408 इंटू 5 बराबर 24। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1032 एक्स माइनस 408 को अगर 5 से गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 2040 बराबर 24। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर किसे बाहर देखना पड़ेगा 2040 को, तो ये माइनस में है इधर आकर के प्लस में, तो इसका मतलब है 24 के अंदर जोड़ दिया जाएगा 2040। तो कुल मिलाकर के आपको मिलता है 1032 इक्वल टू 2040 में अगर 24 को जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर आएगा
64। और अब x का मान ज्ञात करने के लिए बाहर ले लेंगे 1032 को, तो गुणा में इधर आकर के भाग में, तो 2064 में किसका भाग लगाना है, 1032 का। तो अगर आप 1032 का भाग 2064 में लगाते हो तो आपको जो अपना आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2। तो इस तरह से इस पूरे सवाल का जो आंसर है वो है 2। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, जहां पर हमने एचसीएफ का पता लगाना सीखा और कौन सी विधि भाग विधि, जिसमें आपके सिलेबस का नाम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग विधि का नाम है यूपीएल विभाजन प्रमेय का। अगले चैप्टर में कल हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना, लेकिन विधि चालू हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी के साथ धन्यवाद।